माय डॉटर डाइड, शी वाज 8 months and 5 days. उसको दफना कर, और 5 बजे की मेरी ट्रेन थी. कहाँ जाना है? तो हरे रामा हरे कृष्णा, और गाना कौन सा करना है? दम मारो दम. मैं एक गरीब ख़ानदान की बेटी हूँ. हम लोग रेफ्यूजी थे हिंदुस्तान पाकिस्तान होने पे. मम्मी डैडी इधर आए. मैं 1 साल बाद पैदा हुई बॉम्बे में. उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा था, तो घर संभालना थोड़ा मुश्किल था. और जब मैं 3 बरस की हुई तो मैं शैडो को देख के डांस करती थी. तो हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी को डांस नहीं आता है, ना ही म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, ना फोटोग्राफी से, किसी चीज़ से नहीं. कोई पेंटिंग नहीं बनाता है, कोई नहीं. तो मम्मी ने समझा मैं फ्रीक हूँ, तो डॉक्टर के पास लेके गए. तो डॉक्टर फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड था. उसने कहा ये बच्ची डांस करना चाहती है, आप लोग क्यों रोक रहे हैं? वैसे ही आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो लेट हर डांस. तो मम्मी ने कहा हम किसी को यहाँ नहीं जानते. तो बोले कोई बात नहीं, मैं इंट्रोड्यूस कर दूँगा फिल्म इंडस्ट्री से. दैट्स हाउ आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, टू सेव माय मदर एंड फादर फ्रॉम, यू नो, लिटिल चिल्ड्रन वर देयर बिहाइंड मी ऑल्सो. मेरी बहनें मेरे बाद जो पैदा हुई थी बहुत छोटी थी. एंड आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 10 and a half. तो पहले तो चाइल्ड रोल वगैरह मिल जाता था, फिर 10 and a half इज सच अ एज दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन एल्डर्स, नाइदर इन यंग एज. सो मैंने ग्रुप डांसिंग बांध ली. उसमें आई वॉज अ वेरी फाइन डांसर टिल दैट टाइम. एंड देन मिस्टर सोहनलाल साउथ, बी सोहनलाल साउथ एंड हीरालाल हिज ब्रदर, उन लोग मद्रास से आए इधर. तो पहले ही गाना अपलम चपलम वॉज लाइक अ बॉम्ब टू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत पेड़ को पकड़ कर गाना गाना, उसके चारों तरफ घूम के गाना गाना, यही चल रहा था तब तक. सडनली उन लोगों ने देखा इस किस्म का भी डांस होता है. तो प्रोड्यूसर्स वेन मैड, दोनों भाइयों को मतलब फुर्सत नहीं थी खाने पीने की. डे नाइट इनके गाने शुरू हो गए. तो ये ग्रुप डांसर्स को सिलेक्ट करते थे, और तब ग्रुप डांसर को डांस नहीं मालूम था एक्चुअली, तो पॉस्चर्स वगैरह ये वो कराते थे. ऐसा करते करते इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी, उसमें एक मैं भी थी. तब मास्टर जी ने देखा मुझे, कुछ आई वॉज 12, ही पिक मी आउट एंड मेड मी हिज असिस्टेंट डायरेक्टली. तो पहला ही गाना मेरी तकदीर में आया शमी कपूर एंड वैजयंती माला. एंड असिस्टेंट कोरियोग्राफर वॉज हरमन बेंजामिन, वो बिकेम लेटर ऑन एक्सक्लूसिव डांस मास्टर ऑफ शशि कपूर एंड शमी कपूर. ही वॉज दैट टाइम ओनली असिस्टेंट. सो वी बोथ टॉट वैजयंती माला एंड शमी कपूर. तो शी गॉट वेरी इरिटेटेड विथ मास्टर जी, क्या बच्चे लोगों से भी डांस सीखना पड़ता है? तो ये सर मैं नहीं कुछ बताऊँगा, ये जितना कर रही है तुम सिर्फ उतना ही करके दे दो. सो दैट्स हाउ शी बिकेम माई फैन, रादर देन मी बींग हर फैन, शी वॉज माई फैन. नॉट वॉज, शी इज़ माई फैन स्टिल. नोबडी हैज़ हेल्प मी एक्सेप्ट फॉर सुभाष घाई. I was in the film industry, people knew me, but I didn't earn that name which I should have. He called me for his own picture, Hero. From there I started getting name, that people started recognizing me as a good choreographer, because otherwise Subhash won't take her. That was the point. And then I got 1-2-3. Then it was no looking back. I started when Madhubala was on the top. I came at that time. So I've seen all of them. Dilip Saab, Rajendra Kumar,
धर्मेंद्र, जितेंद्र, बट दे वर ऑल ह्यूमन्स. नाउ डेज देर इज नो ह्यूमन एज सच, देर ओनली मशीन्स, इंक्लूडिंग द लेडीज ऑल्सो. नो बडी रिमेंबर्स हु यू आर, हाउ यू आर कनेक्टेड विद देम. इट इज ओनली तुम किसी चीज़ के काम आती हो तो तुम्हारी इज्जत है, अगर नहीं काम आती हो तो तुम्हारे लिए एक उंगली नहीं उठाएंगे मदद करने के लिए. दिस इज़ द टाइम. अल्लाह के बाद अगर किसी चीज़ को मानते हैं आप, तो अपने रिजक रोज़ी को, आर्ट को, ये एक मस्ट है कि अगर तुम दिल ना लगाओ आर्ट से तो कुछ नहीं हो सकता. माई डॉटर डाइड, शी वॉज 8 months and 5 days. तो दोपहर की नमाज जो है वो उसके नसीब हुई, उसको दफना कर, और 5 बजे की मेरी ट्रेन थी. कहाँ जाना है? तो हरे रामा हरे कृष्णा, और गाना कौन सा करना है? दम मारो दम.